सुप्रभात बच्चों, संतुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेखे आज आपके लिए हिंदी का बहुत ही अच्छा और आपको कुछ सिखाने वाला, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने वाला या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है ये बताने वाला एक पाठ आपको आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखेंगे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ चित्र देखेंगे। तो स्क्रीन पर आपके लिए चित्र है, ये जो चित्र है हर कोई इससे परिचित है, गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला, या छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति, हर कोई इस चित्र से परिचित है। जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे रास्ते पर आपको ये दिखाई देगा जिसको ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है, और इस ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से क्या किया जाता है, जो भी रास्ते पर यातायात है उनको नियंत्रित करने का काम किया जाता है। और ये अलग अलग जो दुर्घटनाएं होती है रास्ते पर उससे भी बचाने का, हमें बचाने का, या जो भी वाहन वहां से जा रहे हैं उनकी दुर्घटनाएं ना हो ये भी नियंत्रित करने का काम ये ट्रैफिक सिग्नल करता है। लेकिन इसका पालन करना, ये जो भी ट्रैफिक सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है वो जो तीन लाइट इसके दिख रहे हैं वो कुछ बताते हैं, और ये हमें पता है उसका क्या निर्देश है, लेकिन उसका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे रास्ते पर बहुत सारे नियम होते हैं रास्ते से संबंधित जिसका पालन करना जरूरी है। समाज में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं जिसके कारण समाज में सुव्यवस्था बनी रहे, लेकिन एक अच्छे नागरिक का काम है कि उन नियमों का पालन करें। लेकिन बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि सभी लोग उसका पालन नहीं करते और इसीलिए उनको दंड भुगतना पड़ता है। तो एक अच्छे नागरिक का काम है कि जो भी नियम समाज में सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिए बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, जिसके कारण आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। देखिए दूसरा चित्र आपके सामने है, जिस चित्र में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी धो रहा है, और गाड़ी धोते समय वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, एक पाइप जिससे वो गाड़ी धोने का काम कर रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारा पानी बह जा रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, और बेसिन में जो नल है उसकी टोटी उसने वैसे ही खुली छोड़ी है, और जब तक वो ब्रश कर रहा है तब तक वो पानी वैसे ही वेस्ट जा रहा है। तो ये पानी का कितना दुरुपयोग हम कर रहे हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक नल की टोटी से बूंद बूंद पानी रिस रहा है, लेकिन एक दिन में इस तरह से दिन भर पूरा एक टोटी वैसे वैसे बूंद बूंद रिस रहा है उस टोटी से, तो क्या होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट जाएगा। और आपको पता है पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम जल जीवन है ऐसा कहा जाता है। तो इस जो जिस तरह से हम अपने जीवन अपनी जिंदगी के बारे में सोचते उसी प्रकार हमें पानी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सोचते उसका दुरुपयोग करते हैं और इसी कारण हमें पानी की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो ये मैंने दो चित्र आपको इसलिए दिखाए क्योंकि पहले चित्र में आपको समाज में जो नियम बनाए जाते हैं उसका पालन करके हम एक अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं वो यह पाठ सिखाता है, और इस चित्र में हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, समाज के लिए क्या हितकारक है, क्या अच्छा है, और क्या करने की वजह से समाज का भला होगा, ये इस चित्र में आपको दिखाई देता है। और उसका पालन करना अनिवार्य नहीं, लेकिन उसका उत्तरदायित्व ये निभाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। उसके लिए दंड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये नागरिक बोध व्यक्ति के मन में होना जरूरी है कि ये मुझे करना है, पानी का दुरुपयोग करने से मुझे बचना है, और अगर मैं दूसरे लोगों को भी ये समझा सकूं कि पानी का सही इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा है। और यही बताने वाला ये हमारा आज का पाठ है। देखो और कुछ चित्र मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसे बहुत सारे नारे आपको रास्ते पर दिखाई देंगे। अगर गाड़ी चला रहे आप तो रास्ते से जाते समय दाई बाई और आपको इस प्रकार के स्लोगन दिखाई देते हैं जिसमें अलग रास्ते पर गाड़ी कैसी चलाई जाए उसके बारे में लिखा होता है। जैसे दुर्घटना से देर भली, नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी हमें समय समय पर गाड़ी चलाते समय भी
वहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक से गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी पर हमारा गाड़ी की जो गति है वो नियंत्रित होनी चाहिए, इसके लिए हमें सूचना दी जाती है। समाज में अलग अलग ऐसे जगहों पर जो लोग नियुक्त किए गए हैं, सरकारी लोग, तो ये और सड़क से संबंधित जो लोग हैं, तो इन्होंने रास्ते पर दुर्घटनाएं ज्यादा ना हो इसके लिए ये इस प्रकार के स्लोगन रास्ते पर लगाए हैं, जिसकी वजह से वो पढ़कर तो लोग अपनी गाड़ी की गति नियंत्रित रखे, या ठीक गति जो होनी चाहिए गाड़ी चलाते समय तो वो उतनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर वो भूल गए हैं तो इस प्रकार के नारे रास्ते के दाएं और बाएं ओर लगाकर वो लोगों को सतर्क करना चाहते हैं, और अगर आप उसका पालन करते तो आपकी भलाई है, लेकिन अगर नहीं करते तो दुर्घटना से हम नहीं बच सकते। तो एक अच्छे नागरिक का ये काम है कि जो ये अलग अलग लोग नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा जो बातें हमें बताई जा रही है उसका हमें पालन करना चाहिए। अभी देखो मेरी दोनों तरफ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एक तरफ है, एक तरफ आपको दिखाई दे रहे कुछ चिन्ह, लेकिन ये सारे जो है चिन्ह नहीं है बल्कि नियम है, रास्ते से संबंधित नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य, नियम मतलब उसका पालन करना जरूरी है, और उसका अगर पालन नहीं किया तो दंड भुगतना पड़ता है। और मैंने दूसरी तरफ आपको दिखाया है हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व, जो कि समाज में रहते हुए करने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना है, बिजली बचाना है, पानी जल बचाना है, तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व, और इधर है नियम। सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन अगर हमने नहीं किया तो आपको दंड नहीं मिलेगा, वो एक समाज में रहते हुए उस नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन दोनों का भी पालन, यानी ऐसा नहीं है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन ना करने से आपको दंड नहीं मिलता तो वो निभाना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक नियम दोनों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि वो एक अच्छे नागरिक होने का क्या है, सिंबल है। यानी जो अच्छा नागरिक है वो सामाजिक नियमों का भी पालन करेगा, और सामाजिक जो हमारे उत्तरदायित्व है समाज में रहते उसका भी पालन करेगा, और यही पाठ हमें बताता है। और इस पाठ का जो शीर्षक है वो है चेतना के स्वर। चेतना मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जगाने वाला ये पाठ है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ शक्ति होती है, ज्ञान होता है, लेकिन उसको जगाने वाला एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है ये सिखाने वाला, ऐसा हमारा आज का पाठ है, जो हमें अच्छे नागरिक के क्या क्या कर्तव्य वो बताता है। साथ ही देखो इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये पाठ आपके सामने रखा क्यों गया है वो यहाँ पर बताया गया है। एक नागरिक बोध जगाना, नागरिक मतलब हम लोग जो समाज में रहते हैं, तो अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां है, ये बतलाना अगर हम भूल गए हैं तो, कभी कभी भूल जाते हैं हम हमारे कर्तव्य हमारी जिम्मेदारियां, तो ये याद दिलाने का काम ये पाठ करता है, या याद दिलाना इस पाठ का उद्देश्य है। साथ ही नियमों का पालन करना, जो नियम समाज के लिए बनाए हैं, समाज में सुव्यवस्था बनी रहे इसके लिए बनाए गए हैं, उसका पालन करना ये बताना इस पाठ का उद्देश्य है, और वो नियम हमारे लिए बनाए हैं तो उसका पालन हमें करना ही चाहिए, ऐसा एक वहाँ पे इस पाठ में बताया गया है। अगर उसका पालन हम नहीं करेंगे तो हमें परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो ये भी इस पाठ से बताया गया है। और तीसरा है सामाजिक मूल्यों को समझना, समाज में रहते हुए जो सामाजिक मूल्य है, अगर हम सामाजिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी से क्या अपेक्षा रख सकते हैं, है ना। अगर हम उसका पालन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसका पालन करेगी, और सामाजिक मूल्यों का जतन होना, उसका पालन करना बहुत जरूरी है, और यही ये पाठ सिखाता है। देखो एक इस पाठ में बताया गया है कि एक अच्छे स्वच्छ और खुशहाल समाज की स्थापना उसमें रहने वाले नागरिकों से होती है। एक अच्छा और स्वच्छ खुशहाल समाज किससे स्थापित होता है, तो उसमें रहने वाले नागरिक, उसमें रहने वाले नागरिक अगर समाज के बारे में सोचते हैं, समाज में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित ही वो देश क्या है, अच्छा है, खुशहाल है, बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ बुराइयाँ नहीं है।
लेकिन अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचने वाले नागरिक जिस देश में नहीं है, निश्चित ही वो खुशहाल समाज नहीं कहलाएगा। और इसीलिए और समाज में खुशहाली लाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिनका पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और यही इस पार्ट में देखने को मिलेगा, तो बाकी का हम बाद में देखेंगे।